इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमें, फ्रीक्वेंसी दी, राइट, 60 हर्ट्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव के केस में। अब ये भी फॉर्मूला होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव के केस में होती है 2 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये किस केस में है, फुल वेव के केस में। और अगर यहीं पे तुम्हें हाफ वेव दिया होता तो उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता बता सकते हो? उसमें सिंगल एफ रहता। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव के केस में सिर्फ एफ होती है, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव के केस में 2f हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 60 हर्ट्स, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 120 हर्ट्स। तो दोनों ही फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, फुल वेव भी और हाफ वेव भी। गॉट इट?